नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हमारी साइडों में झिरियां किस तरीके से काटते और एंगल ग्राइंडर से किस तरीके से हम कामों को अंजाम देते, ये सब दिखाने जा रहे हैं। कृपया ये सब चीज़ आपको अगर अच्छी लगती हो, आप इंटरेस्ट हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। बेसिकली हमने ये सब चीज़ डिसाइड कर लिया है कि बाथरूम में कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी, ये सब चीज़ ओनर के साथ तय होने के बाद अब हम सीधा साइड में काटने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाप्पी लेंगे, फिर नाप्पी के हिसाब से ग्राइंडर लगा के उस नाप के हिसाब से काट देंगे। कटने के बाद जो कटेगी निशान के बीच में रहेगा उसे झड़ा देंगे, फिर उस जगह पाइप बैठेगा हमारा। तो चलिए अब हम पूरी साइड व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे उस्ताद जी ज़रा निशान लगा रहे हैं। ये हमारे उस्ताद जी, इन्होंने पूरा करके दे दिया। अब इसके बाद में हम इसमें काट के दिखाएंगे। ये देखिए, उस्ताद जी निशान लगा रहे हैं और उस्ताद जी की जो चल्ले है वो चल्ले अभी काट के दिखाएंगे आपको। ये देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं ज़रा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट लग चुके हैं निशान, नापी हो चुका है इनका। और यहाँ पे ये गीजर का पॉइंट है, ऊपर को गीजर आएगा और ये नीचे से लेकर इधर घूम के बाहर को जा रही लाइन जहाँ छेद हो रखा है, और यहाँ से लेकर दाईं तरफ से जो घूम के आएगी यहाँ पे इंग्लिश सीट है जी, वेस्टर्न सीट, ऐसे करके ये डायरेक्शन है। इस तरीके से बैठा जाएगा इसमें, तो डायरेक्शन की सीट है और इसके सामने ऊपर को गीजर आ जाएगा। और ये बाईं तरफ को ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ये 3 टुंटियाँ हैं, और ऊपर को ये जो सारा है शावर है। ये ग्राइंडर की मदद से आप देखिए, हम काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा ऑन हो चुका है ग्राइंडर। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।